नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के बाद उन्हें सम्मानित किए जाने के मामले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हलाल मीट का विरोध किया है। साथ ही उन्होंने इसके तार टेरर फंडिंग से जोड़े हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दो टूक कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है कि सरकारें समय पर फैसले नहीं लेती है, जबकि तकनीक और संसाधनों से भी ये महत्वपूर्ण चीज है। तो उधर राउत के बाद अब उनके बिजनेस पार्टनर सुजीत पाटकर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके खिलाफ मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इसी बीच बीएमसी में पूर्व नेता विपक्ष रवि राजा ने बीएमसी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सड़कों पर अब भी 25,000 से अधिक गड्ढे हैं। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के बाद सम्मानित किए जाने के मामले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, किसी भी अपराध के आरोपियों को सम्मानित करना सही नहीं। फडणवीस ने कहा कि गुजरात के 2002 के बिल्किस बानो मामले में दोषियों को उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के बाद रिहा किया गया, लेकिन किसी अपराध के आरोपियों को सम्मानित किया जाना गलत है और इस तरह के कृत्यों को सही नहीं ठहराया जा सकता। फडणवीस ने कहा कि सदन में बिल्किस बानो के मुद्दे को नहीं उठाना जाना चाहिए। राज्य के गृह मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे फडणवीस ने कहा, आरोपियों को करीब 20 साल के बाद जेल में 14 साल बिताने के बाद रिहा किया गया है। उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के बाद रिहा ही की गई, लेकिन यदि किसी आरोपी को सम्मानित किया जाता है और उसका स्वागत किया जाता है तो यह गलत है। आरोपी तो आरोपी होता है और इस कृत्य को जायज नहीं ठहराया जा सकता। बता दें कि बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। 11 दोषियों को 15 अगस्त को रिहा किया गया था। गुजरात में भाजपा सरकार द्वारा माफी नीति के तहत उनकी समय पूर्व रिहाई की अनुमति दिए जाने के बाद गोधरा के जिले दोषियों का पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया था। भारत में एक बार फिर हलाल और झटका मांस का मुद्दा उठ रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हलाल मीट का विरोध किया है, साथ ही उन्होंने इसके तार टेरर फंडिंग से जुड़े हैं। मनसे का कहना है कि इसके चलते हिंदुओं की आजीविका और राजस्व पर भी भारी असर पड़ा है। ठाकरे की पार्टी ने हलाल मीट के खिलाफ अभियान शुरू करने की बात कही है, साथ ही उन्होंने उसे आतंकवाद को आर्थिक मदद पहुंचाने वाला सबसे बड़ा तंत्र बताया है। उनकी पार्टी के अनुसार हलाल मीट की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि झटका मीट का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। यह मैकेनिज्म शाकाहारी भोजन और मांस नहीं खाने वाले लोगों को भी निशाना बना रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण व्यापारी सेना ने इसे लेकर खुला खत लिखा है। उन्होंने कहा कि एक तरीके से हम अपने खर्च पर आतंकवाद को आर्थिक मदद दे रहे हैं, हमें इसे न करके महाराष्ट्र में रोकना होगा। हमें आंदोलन खड़ा करने के लिए लोगों की जरूरत है और लोगों से इस काम में जुड़ने की अपील करते हैं। दरअसल कर्नाटक में हिंदू जनजागृति समिति, श्री राम सेना और बजरंग दल समेत समूहों ने हलाल उत्पादनों पर प्रतिबंध की मांग की थी। गत 1 अप्रैल को राज्य के भद्रावती में होटल के स्टाफ को हलाल खाना नहीं परोसने के लिए धमकाया था। वे राज्य में संगठन उगादी त्योहार के बीच हलाल मीट पर आपत्ति जता रहे थे। अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चित नितिन गडकरी ने एक बार फिर अपने ही अंदाज में बात की है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य सुनहरा है, हमें अच्छी तकनीक और नए सुधारों को स्वीकार करना होगा। दुनिया और भारत की अच्छी रिसर्च और सफल प्रैक्टिस को स्वीकार करना होगा। इससे हम क्वालिटी से समझौता किए बिना ही लागत में कमी ला सकते हैं। निर्माण के काम में टाइम बहुत अहम होता है, यह सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे बड़ी समस्या है कि सरकारें समय पर फैसला नहीं लेती है, जबकि तकनीक और संसाधनों से भी यह महत्वपूर्ण चीज है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत क्षमता है, लेकिन हम 60 लाख करोड़ रुपए के ईंधन का आयात करते हैं, तो यह समस्या की बात है। हमें हमेशा यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि काम समय पर पूरे होने चाहिए। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने कह दिया था कि जो काम एक दिन पहले होगा उस पर 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, यदि देरी हुई तो फिर इसी हिसाब से फाइन देना होगा। महीम में फ्लाईओवर बनाने के लिए समय 24 महीने का था, लेकिन ठेकेदार ने 21 महीने में ही तैयार कर दिया। इसकी वजह यह थी कि उसे बोनस मिलना था। बता दें कि नितिन गडकरी अक्सर ऐसे बयान भी देते रहे जो भले ही विपक्ष को अनुकूल लगे, लेकिन उनकी पार्टी के नेतृत्व और सरकार को चुभने वाले होते हैं।
शिवसेना सांसद संजय राउत फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की सलाखों के भीतर कैद है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने पत्राचौल गिरफ्तार किया था। इस घोटाले की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। तब यह आरोप लगा था कि वाडा के साथ गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। इस मामले में 1034 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। राउत फिलहाल मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में कैद है। राउत के बाद अब उन्हें बिजनेस पार्टनर सुजीत पाटनकर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके खिलाफ मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला सुजीत पाटनकर समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इस मामले में यह मुकदमा बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया की शिकायत के बाद दर्ज हुआ है। इस बाबत खुद सोमैया ने ट्वीट कर जानकारी दी है। किरीट सोमैया के मुताबिक 100 करोड़ रुपए के कोविड सेंटर घोटाला मामले में संजय राउत के बिजनेस पार्टनर सुजीत पाटनकर लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406, 465 समेत 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि वर्ली, दहीसर, महालक्ष्मी रेस कोर्स, मुलुंड और पुणे में बने जम्बो कोविड सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड कंपनी को मिला था, जहां बड़े घोटाले का आरोप बीजेपी नेता ने लगाया है। बीएमसी के उपायुक्त हर्षद काले ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि 22 अगस्त तक सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएगी और गणपति का आगमन आसानी से होगा। बीएमसी में पूर्व नेता विपक्ष रवि राजा ने बीएमसी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सड़कों पर अब भी 25,000 से अधिक गड्ढे हैं। बीएमसी हर साल गणेश उत्सव से पहले मुंबई की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का स्वप्न गणेश भक्तों को दिखाती है, लेकिन उत्सव शुरू होने के बाद भी गड्ढे नहीं भरे जाते। वही बीएमसी में पूर्व बीजेपी गुट नेता प्रभाकर शिंदे ने कहा कि प्रशासक को सड़कें और गड्ढे देखने की फुर्सत नहीं है। गड्ढों को लेकर प्रशासन बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कोई अधिकारी सड़क पर उतरकर गड्ढों को भरने को लेकर गंभीर नहीं है। मुंबई में 2055 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। इन सड़कों की मरम्मत और गड्ढे भरने के लिए बीएमसी ने 2,200 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। बीजेपी नेता विनोद मिश्रा ने बीएमसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नई तकनीक से गड्ढे भरने के लिए बीएमसी ने 7 करोड़ का टेंडर जारी किया था, जिसमें किसी ठेकेदार ने रुचि नहीं दिखाई है। बीएमसी के पास गड्ढों को भरने के लिए कोई योजना नहीं है। पहले कोल्ड मिक्स से भरने के सैकड़ों करोड़ खर्च किए गए, लेकिन सब फेल रहा। अब मानसून के दौरान नई तकनीक लाने का ढिंढोरा पीटा गया, उसके लिए कोई ठेकेदार ही नहीं मिल रहा है। बिहार से लेकर झारखंड तक केंद्रीय एजेंसियों ने आज सुबह ही ताबड़तोड़ छापेमारी की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें हैं। राहुल गांधी की ओर से इस पद को अस्वीकार किए जाने के बाद गांधी परिवार से बाहर किसी नेता के पार्टी प्रमुख बनाए जाने की चर्चा है। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इतिहासकार इरफान हबीब पर निशाना साधते हुए उन्हें गुंडा करार दिया। तो उधर यौन उत्पीड़न के एक केस में महिला के कपड़े पर दोष मढ़ने वाले कोझिकोड जिला सत्र न्यायाधीश एस कृष्ण कुमार का तबादला हो गया है। इसी बीच पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में घिरे टी राजा सिंह को अदालत से जमानत मिल गई है और वो पुलिस की हिरासत में छूट गए हैं। इसके बाद से ही मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग का गुस्सा भड़क गया है और उनके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बिहार से लेकर झारखंड तक केंद्रीय एजेंसियों ने आज सुबह ही ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सीबीआई ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पटना में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के घर पर छापेमारी की है। सुनील सिंह को लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में शुमार किया जाता है। ये एक्शन ऐसे वक्त में हुआ है जब विधानसभा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार फ्लोर टेस्ट साबित करने वाली है। आरजेडी के सांसद अशफाक करीब के घर पर भी छापेमारी की गई। कहा यह भी जा रहा है कि सीबीआई ने राजद सांसद फैयाद अहमद और पूर्व एमएलसी सुबोध राय के आवास पर भी रेड की है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बिहार के अलावा झारखंड के खनन घोटाले को लेकर ईडी सक्रिय है। केंद्रीय एजेंसी ने सीएम हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि और विधायक पंकज मिश्रा से पूछताछ के बाद छापेमारी की है। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी की है। अवैध खनन और उगाही के मामले में ईडी के एक्शन से झारखंड का सियासी पारा चढ़ गया है। ईडी ने प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर भी छापेमारी की है, जिसने नेताओं से अच्छे संपर्क बताए जाते हैं। फिलहाल झामुमो की ओर से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन बिहार में आरजेडी ने छापेमारी को भाजपा की शरारत बताया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें हैं।
राहुल गांधी की ओर से इस पद को अस्वीकार किए जाने के बाद गांधी परिवार से बाहर किसी नेता के पार्टी प्रमुख बनाए जाने की चर्चा है। इसी बीच गुजरात पहुंचे अशोक गहलोत ने अटकलों पर जवाब दिया है। उन्होंने इस बात की जानकारी होने से इनकार करते हुए कहा कि वो भी मीडिया से ही सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका पालन कर रहे हैं। इस दौरान जब उनसे ये पूछा गया कि राजस्थान में भावी मुख्यमंत्री भी तय हो गया है तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। गहलोत से ये पूछा गया कि ऐसी चर्चा है कि आपको सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद ऑफर किया है, यदि आप कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके जवाब में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ कांग्रेस पर्यवेक्षक गहलोत ने कहा कि मैं तो मीडिया वालों के मुंह से सुन रहा हूं। मुझे आलाकमान ने गुजरात का सीनियर ऑब्जर्वर बना रखा है, मैं वो जिम्मेदारी निभा रहा हूं। राजस्थान में मैं अपनी जाति का अकेला विधायक हूं और वो भी मुख्यमंत्री है। जातिवादी हमारे राजस्थान में नहीं है, बाकी का मुझे नहीं पता। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि यदि राहुल ये पद नहीं संभालते तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निराशा होगी, उन्हें भावनाओं को समझना चाहिए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इतिहासकार इरफान हबीब पर निशाना साधते हुए उन्हें गुंडा करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हबीब ने हाथापाई करके उनकी आवाज दबाने की कोशिश की थी। आरिफ मोहम्मद खान इरफान हबीब पर तब भड़कते नजर आए जब 2019 की कन्नूर विश्वविद्यालय की एक घटना को याद करते हुए उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या किसी अकेडमिक विद्वान का काम झगड़ना है, इरफान हबीब गुंडा है। जब मैंने जवाब देने की कोशिश की तब उन्होंने हाथापाई करके मेरी आवाज़ दबानी चाही थी। उन्होंने दिसंबर 2019 की घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि हबीब भिड़ने के लिए उनके पास पहुंच गए थे। असल में उस समय कन्नूर विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन हुआ था जिसका उद्घाटन करने आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे थे। उस कार्यक्रम में हबीब भी एक वक्ता थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही दिन पहले खान ने इस मुद्दे पर कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति गोपीनाथ रविंद्रन की भी तीखी आलोचना की थी और उन्हें अपराधी करार दिया था। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि कुलपति ने हबीब और अन्य को उनकी गंभीर आलोचना करते हुए भाषण देने के लिए लंबा वक्त दिया, लेकिन जब मैं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ तो हमले होने लगे। मेरे ADC के साथ धक्का मुक्की की गई, उनकी कमीज तक फाड़ दी गई। यौन उत्पीड़न के एक केस में महिला के कपड़े पर दोष मढ़ने वाले कोझिकोड जिला सत्र न्यायाधीश एस कृष्ण कुमार का तबादला हो गया है। उन्हें दक्षिण केरल के कोल्लम श्रम अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने दो यौन उत्पीड़न मामलों में लेखक सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देते हुए विवादास्पद टिप्पणी की थी। दोनों ही जमानत याचिकाओं में विवादास्पद टिप्पणियों के बाद न्यायपालिका के उच्च स्तर के कई लोगों ने गंभीर आपत्ति व्यक्त की थी। दरअसल चंद्रन को अग्रिम जमानत देते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि यौन उत्पीड़न से संबंधित धारा 354A आरोपी के खिलाफ नहीं होगी क्योंकि महिला शिकायतकर्ता ने अपराध के समय यौन उत्तेजक पोशाक पहन रखी थी। एक दलित लेखक से जुड़े दूसरे मामले में उनकी टिप्पणी पर भी काफी विवाद हुआ। 17 जुलाई को एक दलित लेखिका ने शिकायत की थी कि चंद्रन ने उसे जबरन चूमने की कोशिश की और इस साल 17 अप्रैल को उसका शील भंग कर दिया। जिला अदालत ने इस मामले में 2 अगस्त को उन्हें जमानत दे दी थी। पहले मामले में जमानत देते हुए उनकी अदालत ने कहा था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध आरोपी के खिलाफ नहीं होंगे क्योंकि ये बेहद अविश्वसनीय है कि वो पीड़िता के शरीर को पूरी तरह से जानते हुए छुएगा कि वो अनुसूचित जाति की सदस्य है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में घिरे टी राजा सिंह को अदालत से जमानत मिल गई है और वो पुलिस की हिरासत से छूट गया है। इसके बाद से ही मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग का गुस्सा भड़क गया है और उनके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। देर रात से ही हैदराबाद के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं और हजारों की भीड़ रात को सड़कों पर डटी रही। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है लेकिन हिंसक भीड़ का प्रदर्शन जारी है। इन लोगों का कहना है कि टी राजा सिंह को पुलिस की हिरासत से रिहा किया जाना गलत है। इससे पहले मंगलवार को भी हैदराबाद में जमकर प्रदर्शन हुए थे और टी राजा सिंह के खिलाफ सिर तन से जुड़ा जैसे हिंसक नारे भी लगाए गए। चार मीनार पर मंगलवार की देर रात बड़ी संख्या में लोग जुटे और उन्होंने टी राजा सिंह को फांसी तक देने की मांग की। कई जगहों पर टी राजा सिंह के पुतले भी फूके गए हैं। पुलिस की ओर से भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया लेकिन रुक रुक कर लोग आते रहे। इन लोगों के हाथों में काले झंडे थे और कुछ लोगों ने तिरंगा भी ले रखा था। चार मीनार गुलजार हौज और वट्टापल्ली इलाके में हिंसक प्रदर्शन हुए है। इस दौरान पुलिस की 2 गाड़ियों को तोड़ डाला है। इस दौरान एक टैक्सी को भी तोड़ दिया गया है। अमेरिकी सेना ने पूर्वी सीरिया में ईरान के अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड समर्थित मलेशिया की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले क्षेत्रों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं।
तो चीनी अखबार ने आरोप लगाया है कि भारत ने चीन के क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है। वहीं भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती योजना में नेपाली युवाओं को भर्ती करने की अनुमति देने को लेकर नेपाल सरकार असमंजस में है। तो उधर मलेशिया की शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को राजनीति से लूट से जुड़े मामले में 12 साल की सजा बरकरार रखी है। इसी बीच पश्चिम अफ्रीकी देश घाना की पॉपुलर एक्ट्रेस ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें एक अमीरी आदमी की तीसरी या दसवीं पत्नी होने में कोई आपत्ति नहीं है। दुनिया भर की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी सेना ने पूर्वी सीरिया में ईरान के अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड समर्थित मलेशिया की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले क्षेत्रों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। सेना ने बताया कि हमले लक्षित थे, जिसका मकसद जोखिम तथा जानमाल के नुकसान को कम करना था। अमेरिका सेना ने निशाना बनाए गए क्षेत्रों की पहचान नहीं की और न ही हमलों से जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी दी, लेकिन बताया जा रहा है कि इन हमलों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अमेरिकी सेना ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर ये हवाई हमले किए गए हैं। मध्य कमान के प्रवक्ता कर्नल जो बुकिनो ने एक बयान में कहा कि आज के ये हमले अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा के लिए जरूरी थे। कर्नल बुकिनो ने बताया कि ये हमला 15 अगस्त को अमेरिकी बलों को निशाना बनाकर किए गए हमले के जवाब में किया गया। गौरतलब है कि 15 अगस्त को हुए हमले में ईरान समर्थित मलेशिया द्वारा कथित तौर पर भेजे गए ड्रोन ने अमेरिकी बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अल-तंफ सैन्य अड्डे को निशाना बनाया था। दीर एज़-ज़ोर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत है, जिसकी सीमा इराक से लगती है। यहाँ तेल के कई स्रोत हैं। इसे लेकर ही अमेरिका ने ये कदम उठाया है और ये बहुत जरूरी था। चीनी सरकार का मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के सीमा विवाद को लेकर दिए गए बयान पर तीखी टिप्पणी की है। अपने संपादकीय में ग्लोबल टाइम्स ने जयशंकर के बयान को लेकर भारत की जमकर आलोचना की है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन ने नहीं बल्कि भारत ने द्विपक्षीय समझौते की अवहेलना की। इतना ही नहीं, चीनी अखबार ने उल्टे ये भी लिख दिया है कि भारत ने चीन के क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की हालिया टिप्पणी दोनों देशों के आपसी विश्वास को कम कर सकती है। इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर असर पड़ सकता है। बता दें कि रविवार को ब्राजील के साओ पाउलो में एक कार्यक्रम में एस जयशंकर ने कहा था कि चीन ने भारत के साथ अपने सीमा समझौते की अवहेलना की है। चीन ने बॉर्डर एरिया और गलवान घाटी में जो किया है वो सीमा समझौते का स्पष्ट उल्लंघन है। एस जयशंकर ने कहा कि अभी ये कोई छिपी बात नहीं है, हम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। 1990 के दशक में चीन के साथ हमारे समझौते थे। इसके जरिए सीमा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैनिकों को लाने पर रोक लग गई थी। हम दोनों में से कोई भी प्रतिबंधित इलाकों में सैनिकों की तैनाती न करने पर सहमत हुए थे। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती योजना में नेपाली युवाओं को भर्ती करने की अनुमति देने को लेकर नेपाल सरकार असमंजस में है। भारत चाहता है कि नेपाल के युवा अग्निपथ स्कीम के तहत गोरखा रेजिमेंट में भर्ती हो। इसके लिए सरकार ने शेर बहादुर देवबा सरकार से उनके विचार पूछे हैं। इस बीच नेपाल में अग्निपथ स्कीम के तहत नेपाली युवकों भर्ती को लेकर विवाद शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस भर्ती के तहत 25 अगस्त को नेपाल के बुटवल और 1 सितंबर को धरान में टेस्ट होना है। अग्निपथ योजना के सभी प्रावधान गोरखा रेजिमेंट पर भी लागू होंगे। इस बीच नेपाल सरकार के अधिकारियों ने कहा कि वे अभी इस पूरे मामले पर विचार कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार ने इस अग्निपथ योजना को शुरू करने से पहले नेपाल सरकार से ना तो राय ली और ना ही सूचित किया था। वहीं भारतीय सेना ने कोविड महामारी की वजह से गोरखा भर्ती स्थगित कर दी थी। 14 जून को अग्निपथ स्कीम को लागू किया गया था। इसके बाद भारतीय सेना ने दूतावास के जरिए नेपाल के विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखा था और भुटवल और धरान में चयन और भर्ती के लिए मंजूरी मांगी थी, लेकिन नेपाल सरकार द्वारा भारतीय पक्ष को इसका कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद भारतीय सेना ने भर्ती की तिथि को सार्वजनिक करने से रोक दिया। मलेशिया की शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को राजनीति से लूट से जुड़े मामले में 12 साल की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने राजनीति की लूट से जुड़े मामले में नजीब की आखिरी अपील को रद्द कर दिया है। उन्हें 4 साल पहले सजा सुनाई गई थी। 2018 में नजीब रजाक को सरकारी कंपनी के जरिए हजारों करोड़ रुपए गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान पता चला कि उस फंड में से कम से कम 450 करोड़ डॉलर की चोरी की गई, जिसे उस समय के पीएम रहे नजीब और उसके सहयोगियों द्वारा अंजाम दिया गया।
इस घोटाले ने अमेरिका और कई अन्य देशों में जांच को गति दी और 2018 के चुनावों में नजीब की सरकार के पतन का कारण बना। इसके बाद उन्हें भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के मामलों में 12 साल जेल की सजा सुनाई गई और 49.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया। बता दें कि मलेशिया के पूर्व पीएम अब तत्काल प्रभाव से अपनी सजा काटना शुरू करेंगे। इसी के साथ ही वो देश के पहले पूर्व प्रधानमंत्री होंगे जो जेल जाएंगे। नजीब रजाक मलेशिया के सबसे प्रमुख राजनीतिक परिवारों में से एक वंशज है और 5 अलग अलग मुकदमों में कुल 42 अलग अलग आरोपों का सामना कर रहे हैं। पश्चिम अफ्रीकी देश घाना की पॉपुलर एक्ट्रेस ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। एक्ट्रेस का नाम रोसमंड एलेट ब्राउन है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर अकू आपेम पोलू के नाम से काफी लोकप्रिय है। अपना ईसाई धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने वाली एक्ट्रेस रोसमंड को अब हनिया के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने इस्लाम कबूलने के बाद कहा कि वो मुस्लिम होने के साथ आने वाली हर चुनौती को लेने के लिए तैयार है। इसी के साथ उन्होंने मुस्लिम धर्म के मुताबिक कपड़े पहनने पर भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि उन्होंने किसी के दबाव में आकर खुद को ईसाई से इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया है। एक्ट्रेस ने कहा कि उनका धर्म परिवर्तन इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसी शख्स को खुश करना चाहती है, बल्कि इसलिए है कि वो लंबे समय से धर्म से प्यार करती है जबकि वो इसका हिस्सा नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से मुस्लिमों और इस्लाम धर्म से प्यार था जिसकी वजह से उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने का फैसला किया। एक्ट्रेस ने यहाँ तक कहा कि उन्हें एक अमीर आदमी की 3री या 10वीं पत्नी होने में कोई आपत्ति नहीं है। एक्ट्रेस ने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की और इसकी पुष्टि की थी। इन तस्वीरों में उनको लंबे गाउन और हिजाब में देखा गया था। तो बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।